मायों भाई चप्रप जागमन साल जैया साल नैया सालब्रम तमलू बी ब्रम बब हाई पार लंग टाइम पारमिशन सोलिशन नहीं बेले बेले हम जो तो मीडिया रंग आं मे हरण खनाका जे चाम्पलाई जगह सम्प्राय पारा हो सम्प्राय पारा हो चार परिवार मे हर चीनी बलंग मायूम भाई नक सबाई जगह खनाका किन्तु बलंग मैया हर आम फैमिलिया हाइपनो आं लगे लगे चीनी डिस्ट्रिक्ट फरेस्ट अफिसर आं फोन खाइका एस डी एम फोन खाइका विडिओ फोन खाइका फैमिले पड़े तीन आं निजी आं फाइका बरंग नाइन बगे बरंग टंगना चाना जत्न सेवाई कल बरंग व्यवस्था आं खाइका तब आं निजी फायखाइका ते बंगनी जे नुक जे फायमानी जत्न बंग रंगी सहाज्य खाने बरंग चाना रिंग सहाज्य खाने ते पार्मेन्ट सल्यूशन खाने बगे चीनी डी एम एस डी एम फरेस्ट मिनिस्टर प्लस डिस्ट्रिक्ट फरेस्ट अफिसार जो साल बुती खा पार्मेन्ट सल्यूशन खाईमान जो मई दंग लेख लाख बीसी दिन चीनी रंग पैसा जत्न चीनी जे प्रोजेक्ट सेंशन होना मनी विशिंग जो सल्यूशन पार्मेन्ट सल्यूशन खाने नई दंग कारण ओ एरिया चाम्पलाई मंगिया कमी कृष्णपुर यंग उत्तर महारानी दक्षिण महारानी पूरा विलेज चीनी बलंग मायूम भाई अनेक जान माल खतिंगा बरक बो खतिंगा मन जो का सुनानी बगे फरेस्ट डिपार्टमेंट बो या सही दंग चीनी प्रशासन बो या सही दंग जो सही दंग मन बहाई कई दिन सल्यूशन खाने बगे बेले बेले हम भाई जो समस्या है ये पूरा एरिया में बहुत दिनों से चल रहा है उसमें बहुत सारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो या लाइन डिपार्टमेंट हो उन्होंने बहुत सारा कोऑर्डिनेशन करके जो कॉम्पेंसेशन का प्रोसीजर है वो भी बहुत अभी इजी कर दिया है। पहले बहुत जॉइंट वेरिफिकेशन में टाइम लगता था, अभी मैंने एस डी एफ ओ से बात करके फेब्रुवरी तक जितना भी क्लेम्स था वो सब एस डी एम ने सेटल किया है, मतलब तो उनको कॉम्पेंसेशन मिला है फेब्रुवरी तक। उसके बाद का जो है वो अभी जल्दी से हम जैसे एम सी सी का मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट खत्म हो जाएगा उसके ऊपर हम जल्दी से कार्रवाई करेंगे। और हाथी का ये जो समस्या है उसके लिए हमने अभी कुछ एक महीने पहले मिनिस्टर साहब से भी, फॉरेस्ट मिनिस्टर साहब से और ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर साहब से भी हमारा एक मीटिंग हुआ था सबका, तो उसमें हमने डिसाइड किया है कि यहाँ पे चार पांच लोकेशन हमने आइडेंटिफाई किया है, उसमें चंपलाई है, चकमा घाट है, कृष्णपुर है, महारानीपुर है, लक्ष्मीपुर है। उसमें पाँच लोकेशन में हमने एक जो फील्ड कैंप है जो स्टाफ हमारा अभी तो किलियामुरा में रहता है वहाँ से यहाँ पे आने के लिए बहुत टाइम लगता है, तो अभी हमने पांच लोकेशन सिलेक्ट किया है उसमें हम एंटी डिप्रेडेशन कैंप्स मतलब जो फील्ड कैंप है वहाँ पे सेटअप करेंगे। उसमें परमानेंटली हमारा फॉरेस्ट का स्टाफ भी रहेगा और कुछ विलेज वॉलंटियर जो हमने 40 अभी काम कर रहे हैं उनको भी वहाँ पर रहने का, खाने का पीने का सब व्यवस्था वहाँ पे कर देंगे, तो वो वहीं पे रहेंगे। जैसे चंपलाई है तो इसी लोकेशन पे वो पाँच छः स्टाफ यहाँ पे रहेगा, जैसे ही कुछ हाथी का इन्फॉर्मेशन होगा तो वो तुरंत उसको अंदर मतलब जंगल में भगा सकते हैं। और एक हर एक लोकेशन पे वॉच टावर बनाएंगे, तो वॉच टावर से ये होगा कि दूर वाला हाथी भी हमें पहले दिख सकता है, उसके हिसाब से उसको हमने मतलब जल्दी से जल्दी उसको जंगल में हम भेज सकते हैं। यही हमारा अभी जैसे बारिश खत्म हो जाएगा ये काम हम तुरंत यहाँ पे शुरू कर देंगे। इस इनिशियली हमने तीन लोकेशन पे काम शुरू करेंगे, जैसे चंपलाई में ज़्यादा प्रॉब्लम है तो यहाँ पे करेंगे, उसके बाद चकमा घाट और एक लक्ष्मीपुर या महारानीपुर उस साइड में एक लोकेशन वहाँ पे काम शुरू करेंगे एक दो महीने में जैसे बारिश खत्म हो जाए। जीपीआरएस का जो ट्रैक का जो हुआ था जो काम करेंगे वो कब तक हो जाएगा? एक का तो किया था, एक हाथी का किया था, एक हाथी का किया था, दूसरे का भी हमने मोती का ट्राई किया था दो महीने पहले, लेकिन उस पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हमको सक्सेसफुल नहीं रहे हैं। अभी फिर से हमने जो एक एजेंसी है एनजीओ है बेंगलोर बेस्ड एनजीओ है उनको हमने फिर से बोला है, लेकिन ये बारिश का मौसम है इसमें हम कर नहीं सकते क्योंकि हाथी बहुत बार जंगल में चला जाता है या उसको डार्टिंग करने के बाद वो जंगल में भाग जाता है, तो हमें वो जो कॉलर डालना है उसमें जीपीएस तो वो मुश्किल बहुत होता है, तो बारिश के बाद ही वो हम फिर से एक बार ट्राई करेंगे उसको करने के। अभी कितना हाथी ये काम कर रहे हैं जो जंगल में? अभी तो जो जंगली हाथी है वो 18 से 20 जंगली हाथी है, 20 हाथी होगा उसमें। अभी अभी क्या हो रहा है कि उसमें तीन चार ग्रुप
बन गए हैं, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि उसको मैनेज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है। इसके कारण ही हमने वो 5 लोकेशन मतलब सिलेक्ट किया है, उसके कारण हमारा स्टाफ यहाँ पे रहेगा तो हर एक लोकेशन पे हम उसको ड्यूटी मतलब अच्छे से कर सकते हैं।